आज हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे कि गाड़ी चलाते टाइम बोथ नया ड्राइवर एंड एक्सपीरियंस ड्राइवर ऐसे क्या क्या चीज गलती करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और ये गलती ऐसा नहीं है कि कोई नया ही ड्राइवर कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर को भी देखा है ऐसे गलतियां करते हुए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर वन, एंड इट इज़ वेरी बेसिक मिस्टेक, ठीक है, वो है स्टीयरिंग व्हील को पकड़ना कैसे होता है। देखिए नॉर्मली जो नए गाड़ी में आप अगर देखोगे तो स्टीयरिंग व्हील का शेप भी कुछ इस तरीके से बना है। पुराने गाड़ी में डेफिनेटली ऐसा बात नहीं था, वहाँ पे काइंड ऑफ सेम विथ का स्टीयरिंग व्हील होता था, लेकिन नए जमाने के गाड़ी में ये ऐसे कर दिया गया है। एंड ये जो बल्ज आप देख रहे हो ना स्टीयरिंग में, ये इसीलिए बनाया गया है सो दैट योर हैंड कैन रेस्ट हियर। बट होता कुछ यूँ है कि कुछ लोग स्टीयरिंग को कुछ ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, बहुत अतरंगी तरीके होते हैं पकड़ने का। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे पकड़ना या तो ऐसे पकड़ना गलत है, ऐसा कुछ बात नहीं है। कभी कभार हाईवे में मैं जब कंटिन्यूस चलाता हूँ तो मैं भी स्टीयरिंग कभी कभार ऐसे पकड़ लेता हूँ या तो ऐसे करके पकड़ लेता हूँ, वट एवर माइट बी द सीनारियो, वो भी मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन जो सही तरीका होता है वो ऐसे होता है, इधर एंड इधर, ये दो टच पॉइंट में आपको टच करना होता है स्टीयरिंग को। एंड ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपका अगर रहेगा हाथ तो आपको मैक्सिमम रोटेशन का चांस है। तो समझिए कि आपके सामने कोई आ गया अचानक से, तो आप फटाफट से घुमा के ऐसे रोटेशन मार सकते हो गाड़ी का, जो कि आप अगर ऐसे रखोगे तो ये रोटेशन आपका लिमिट हो जाता है, ठीक है, ये इतना रोटेशन नहीं हो पाता है। आप यहाँ पे रखोगे तो वो तो और भी डेंजर चीज़ है, तो ऐसा बात है। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे ये दो जगह में आपका टच पॉइंट होना चाहिए। मिस्टेक नंबर टू, तो ये है एसी रिलेटेड। तो होता क्या है ये, और ये गलती मैंने भी किया है बाय द वे, ये ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसे मैंने खुद भी ये गलती किया है जिससे मैंने सीखा है। तो आप देख सकते हो एसी में दो चीज़ होता है, एक होता है आपका ब्लोअर स्पीड, एक होता है आपका एसी का स्पीड। अब एसी जो होता है वो आपके इंजन से डायरेक्ट पावर लेता है, एसी का जो कंप्रेसर होता है, ब्लोअर जो होता है आपका बैटरी से पावर लेता है। होता क्या है, जो नया ड्राइवर्स होता है, इवन मैंने भी ये गलती किया है, मैं क्या करता था एसी एंड ब्लोअर दोनों को फुल ब्लास्ट में मैं चालू कर देता था। अब इसके लिए होता कुछ यूँ है, क्योंकि आपका एसी एंड ब्लोअर पूरा फुल स्पीड में रहता है, जिसके वजह से गाड़ी आपका मैक्सिमम पावर खींच के एसी का कंप्रेसर के ओर डालता है टू कूल द केबिन, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरत नहीं है ऐसे करने का। आपका गाड़ी अगर सिटी में भी चल रहा है, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको जो एसी का स्पीड है वो मैक्सिमम दो या तो वन एंड हाफ में रखता हूँ, ठीक है, या तो वन में भी कभी कभार रखता हूँ। ब्लोअर का स्पीड टू कर देता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, क्योंकि ब्लोअर ज़्यादातर बैटरी से पावर उठाता है, तो इंजन के स्पीड में ज़्यादा कुछ कटौती दिखता नहीं है। लेकिन आप एसी के स्पीड को अगर पूरा फुल में रखोगे, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी आपको लगेगा कि आपका जो गाड़ी है, आपका गाड़ी बहुत कम पावर प्रोड्यूस कर रहा है, आपका गाड़ी लैग कर रहा है। स्पेशली इट इज़ वेरी मच एविडेंट ऑन ए थ्री सिलेंडर इंजन लाइक टाटा पंच, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ये फील होने वाला है। पॉइंट नंबर थ्री, एंड ये है रिलेटेड टू योर साइड व्यू मिरर, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि मिरर को ऐसे पूरा एंड तक घुमा देते हैं ताकि पूरा एज तक दिखे, या तो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ऊपर की ओर रख देते हैं, वट एवर। तो इससे होता क्या है कि आपके जो एक्चुअली ऑनकमिंग ट्रैफिक है वो आपको दिखेंगे नहीं ढंग से, या तो आपके जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं वो भी ढंग से आपको दिखेंगे नहीं। ओरिजिनल इसका जो पोजिशन होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे करके आप अपने गाड़ी के बॉडी के ओर लेके आओ, ठीक है, एंड थोड़ा सा ऊपर करो। वो रियर डोर हैंडल मिरर के एकदम नीचे वाले पार्ट में थोड़ा सा बस दिखना चाहिए, ठीक है, और एक्चुअली थोड़ा ऐसे करना चाहिए, एक्चुअली ऐसे थोड़ा सा ऐसे, हाँ आप देख सकते हो ये सही पोजीशन है, एंड इसमें मेरा ज़्यादातर ब्लाइंड स्पॉट अभी कवर हो रहा है। पॉइंट नंबर फोर, वो है क्लच रिलेटेड, ठीक है। अब क्लच रिलेटेड मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट इसमें ये है कि लोग क्या करते हैं, स्पेशली ये बिगिनर के साथ ज़्यादा होता है, वो लोग क्या करते हैं क्लच को बस आधे ही दबाते हैं। क्लच जबकि जब दबेगा तो पूरा एंड तक दबना चाहिए, ऐसे आधे क्लच कभी दबना नहीं चाहिए, क्योंकि आधा क्लच अगर दबेगा तो आपके ट्रांसमिशन एंड क्लच प्लेट के ऊपर भारी भरकम प्रेशर आएगा आप अगर ऐसे गाड़ी चलाओगे तो। एंड इसके रिलेटेड और एक जो मैंने चीज़ देखा है, एंड ये मैं ज़्यादातर एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ देखा है, वो क्या करते हैं कि ऐसे क्लच के ऊपर पैर रख के गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभार गाड़ी चलाते हुए आपको उतना ध्यान नहीं रहता है, क्लच हल्का सा दब जाता है, जिसके वजह से आप गाड़ी को क्लच के बल पे चला रहे हो एंड आधा क्लच इंगेज करके चला रहे हो, एंड उसके वजह से आपका क्लच प्लेट कभी भी ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो गाड़ी जो पैर आपका है गाड़ी चलाते टाइम कभी भी क्लच के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमेशा देखिए गाड़ी के साइड में एक डेड पैडल दिया हुआ है, ये डेड पैडल के ऊपर पैर रख दीजिए, जब
गियर चेंज करना है सही में, तब आप क्लच दबा के गियर चेंज कीजिए, वरना ऐसे होना चाहिए। एंड आपकी गाड़ी में अगर डेड पेडल नहीं है, पुराने ज़माने का गाड़ी है, तो ऐसे भी आप रख सकते हो पैर को। पॉइंट नंबर 5, और वो है गियर लीवर रिलेटेड। अब होता क्या है कि कुछ लोग मैं देखा हूँ कि ऐसे गियर लीवर के ऊपर हाथ रेस्ट करके गाड़ी चलाते हैं, एक हाथ गियर लीवर के ऊपर ऐसे रेस्ट करते हैं, दूसरे हाथ स्टीयरिंग के ऊपर रेस्ट करते हैं। अब उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अगर ऐसे गियर लीवर के ऊपर रेस्ट करके गाड़ी चलाते हो हाथ को, तो आपके गियर लीवर मेनली आपके ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो कि आपके गियर्स जो एक्चुअल होते हैं उसको ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे आप हाथ रखते हो तो ये लीवर के ऊपर प्रेशर रहता है, हमेशा ही प्रेशर रहता है गाड़ी चलते वक्त, जिसकी वजह से आपके जो गियर्स है, एक्चुअल गाड़ी का गियर्स है, वो बहुत ज़्यादा वेयर एंड टियर होगा, वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन में आ जाएगा एक दूसरे के साथ। एंड वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा तो आपके गियर बॉक्स ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे आप अगर गाड़ी चलाते हो, ऐसे रख के गाड़ी चलाते हो, ट्राई टू अवॉइड दिस। अगेन, ये कभी कभार ट्रैफिक में ज़रूरत पड़ता है, मुझे ही पता है, मैं भी कभी कभार कर लेता हूँ, क्योंकि सिटी में जब आप चलाते हो, आप एकदम कट टू कट ट्रैफिक में रहते हो, उस टाइम में आपको कंटिन्यूअस गियर ऊपर नीचे करना पड़ता है मैनुअल गाड़ी में, तो मैं भी कभी कभार ऐसे रख देता हूँ हाथ को, लेकिन मैं कभी हाथ को ऐसे बैलेंस नहीं करता हूँ इसमें, मतलब हाथ का वेट इसके ऊपर नहीं रखता हूँ। हाथ को अगर रखता भी हूँ, मैं टच करके बस रखता हूँ, सो दैट मैं जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट कर सकूँ। तो यही था वीडियो जिसमें मैंने 5 मेजर मिस्टेक्स के बारे में बात किया, जो कि मैंने देखा है ड्राइवर्स को करते हुए। क्या इनमें से आप भी कोई मिस्टेक्स करते हो तो सुधार लो यार, कोई दिक्कत नहीं, मेरा वीडियो है ना आपको समझाने के लिए, सुधार लो और एंजॉय करो लॉन्ग ड्राइव को। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।